हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होम्स प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 20x35। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रंट में, ये फ्रंट आपका 20 फीट दिया, लंबाई इसकी 35 फीट दी है, देख सकते हैं आप। फ्रंट एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर में आपको शॉप प्लान मिलता है, ऊपर आपको 3BHK हाउस प्लान कम्प्लीट मिलता है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका फ्रंट एलिवेशन दिया हुआ है। अगर आपका किसी अदर साइज का प्लॉट है तो हमारे चैनल पे आके यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी प्लान मिल जाएंगे अदर अदर साइज के, देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते हैं अपने प्लान की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3D में आपको कुछ इस तरीके से प्लान मिलता है पूरा। फ्रंट इसका 20 फिट दिया, लंबाई इसकी 35 फिट दी है, कंप्लीट आपका बना हुआ है पूरा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपको दुकान उपलब्ध कराई गई है। दुकान से पहले आपको सीढ़ियाँ दी गई हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पौधा लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको कुछ इस तरीके से चैनल मिल जाता है। यह आपका एंट्री गेट लगा हुआ है, देख सकते हैं। गेट से पहले आपको बाइक पार्किंग के लिए रैंप दी है और यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। ये गेट आपका 5 फिट का लगा हुआ है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीने के नीचे बाइक पार्किंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको जीने के नीचे बाइक पार्किंग मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट जीना मिल जाता है। ये जीना आपका 3 फिट का बना हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जीना दिया हुआ है। जीना आपका 3 फिट का दिया है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। ये पैर रखने वाला आपका 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी, कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको कुछ इस तरीके से बड़ी सी दुकान दिख जाती है, देख सकते हैं। इस दुकान का मैंने साइज रखा हुआ है 11x13। ये 11x13 की आपकी दुकान दी है। फ्रंट इसका 13 फिट दिया है, लंबाई इसकी 11 फिट दी हुई है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप हॉल में आ जाएंगे। हॉल में ही आपके यहाँ पर बैठक बनाई हुई है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 12x11 हॉल का साइज दिया हुआ है, देख सकते हैं 12x11। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है, जिसका मैंने साइज दिया है 4x7। इस 4x7 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड बनी हुई है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ओपन किचन मिल जाती है, देख सकते हैं। अगर आप क्लोज करना चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपका एंट्री गेट लग जाएगा। इस किचन का मैंने साइज रखा हुआ है 6x7। ये 6x7 की आपकी ओपन किचन बनी हुई है, देख सकते हैं 6x7। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपको पीछे एक रूम दिख जाता है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको रूम दिया हुआ है। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x12 इसका साइज दिया है। मैं दीवार को ऐड करके साइज बता रहा हूँ, 10x12। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपको सेकंड बेडरूम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दूसरा रूम मिल जाता है। इसका भी साइज मैंने सेम दिया हुआ है 10x12, देख सकते हैं 10x12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपको सबसे पहले बड़ी सी दुकान मिलती है, उसके बाद उसके पीछे आपको यहाँ पर 2BHK हाउस प्लान कम्प्लीट मिल जाता है। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने के लिए आपको जीना मिल जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा आपका सेपरेट प्लान दिया हुआ है, रेंट के पर्पज से पूरा प्लान बना हुआ है। ऊपर वाला भी जीना आपका 3 फिट का ही बना हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तब भी आप यहाँ पर हॉल में आ जाएंगे, देख सकते हैं। हॉल में ही आपकी यहाँ पर बैठक बनाई हुई, आप अपने हिसाब से बैठक बना सकते हैं। इस हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 11x12। ये 11x12 का आपका हॉल दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको रोड साइड से एक मास्टर बेडरूम मिल जाता है, यहाँ पे आपको रोड साइड से एक मास्टर बेडरूम मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंट्री गेट दिया हुआ है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम एक कंबाइंड मिल जाती है। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज दिया है 3x7। ये 3x7 का आपकी यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन छोटा सा रोशनदान दिया हुआ है, यहाँ पे वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपकी सेफ वगैरह रख जाएगी, कवर्ड वगैरह रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से डेकोरेट करा सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x11, ये 10x11 का आपको यहाँ पे कंप्लीट रूम मिलता है। यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम का साइज हटा के मैं बता रहा हूँ, देख सकते हैं 10x11। यहाँ पे आप देख सकते हैं छज्जा आपका 3 फीट का निकला हुआ है, ये छज्जा आप देख सकते हैं, छज्जा आपका 3 फीट का निकला है। यहाँ पे आपको 3 फीट की सेपरेट बालकनी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री गेट भी आपको उपलब्ध कराया गया है, वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पे कूलर भी लगा सकते हैं आप बहुत ही आसानी से, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम मिल जाती है, जिसका मैंने साइज दिया 4x7। ये 4x7 की आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम मिल जाती है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं 6x7 की यहाँ पे किचन मिल जाती है, ओपन आपकी किचन बनी हुई है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आपको 2 रूम मिल जाते हैं सेम साइज के। इन रूमों का मैंने साइज दिया हुआ है 10x12, ये 10x12 के दोनों रूम दिए, दोनों में आपको वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3BHK हाउस प्लान कंप्लीट मिलता है। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की, तो जीने से आपको ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके से दिख जाता है। जीने से आपको जिस तरीके से ऊपर आएंगे देख सकते हैं, उसके बाद आपको सेम जीना मिल जाता है, देख सकते हैं 3 फीट का जीना दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेम प्रोसेस मिल जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे हॉल मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में आपको यहाँ पे एक आपको रूम मिल जाता है, मास्टर बेडरूम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम अटैच मिलेगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 फीट की आपको बालकनी उपलब्ध कराई गई है। ऊपर वाला भी छज्जा आपका 3 फीट का दिया हुआ है, देख सकते हैं नीचे जैसा आपको पूरा सेम प्रोसेस मिल जाएगा। उसके बाद कॉमन लैट्रिन बाथरूम मिल जाएगी, लैट्रिन बाथरूम जस्ट बगल में यहाँ पे आपको किचन मिल जाती है। लास्ट में आपको यहाँ पे 2 रूम मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं 10x12 के आपके दोनों रूम बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको सेम प्लान मिलता है 3BHK का। अब बात करते हैं फ्रंट के एलिवेशन की, अटिया की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट अटिया आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, देख सकते हैं ये आपकी कंप्लीट अटिया बनी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्लास का यूज किया है, काफ़ी अच्छा खासा उजाला भी बना रहेगा और लुक भी बहुत बेस्ट लग रहा है। साइड में देख सकते हैं एलिवेशन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे डिजाइनों का यूज किया है, यहाँ पे मैंने ग्लास की रेलिंग लगाई है, आप अपने हिसाब से नॉर्मल भी लगा सकते हैं। 20x35 में बहुत ही बेस्ट प्लान दिया है रेंट के पर्पज से, पूरा सेपरेट आपका प्लान बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आज का प्लान पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज की रत्ना ही वीडियो देखने धन्यवाद।